कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। प्रमोद तिवारी आराधना मिश्रा पर एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस ये प्रदर्शन करेगी। लखनऊ में प्रियंका गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हो सकती हैं। प्रतापगढ़ में प्रमोद तिवारी समेत कुल 77 लोगों पर एफआईआर हुई है। 25 सितंबर को गरीब कल्याण मेले में हंगामा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में वहां पर भिड़ गए थे और एफआईआर कराई गई, क्योंकि प्रतापगढ़ की जो सांसद हैं उन्होंने कहा कि, और जो वीडियो आया उसके हिसाब से वहां पर उनके साथ मारपीट की गई, हिंसा की गई, उसके बाद ही एफआईआर की गई है। और उसमें नाम है पूर्व राज्यसभा सांसद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी का, उनकी बेटी और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा का। और इसी एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस आज प्रदेश भर में प्रदर्शन करने जा रही है। प्रियंका गांधी इसी प्रदर्शन में लखनऊ में शामिल हो सकती है। 25 सितंबर को यह घटना हुई और उसके बाद प्रतापगढ़ में 3 बजे भाजपा सांसद संगमलाल गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। जिस कार्यक्रम की बात हो रही है वहां पर पहले से प्रमोद तिवारी आराधना मिश्रा थे। भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस ने संचालक के हाथ से माइक का छीनने का आरोप लगाया। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भिड़ गए। नेताओं ने बहुत समझाया, दोनों ओर से मारपीट हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। ये हुआ 25 सितंबर को और भाजपा सांसद ने खुद पर और पुलिस पर हमले का आरोप लगाया। प्रमोद तिवारी आराधना मिश्रा समेत कुल 27 लोगों पर नामजद एफआईआर हुई है और 50 अज्ञात के खिलाफ भी सांगीपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। और अब इस पूरे मामले के खिलाफ आज कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है, किस तरीके की तैयारियां हैं कांग्रेस की, जानने के लिए इस वक्त रुख करेंगे विवेक त्रिपाठी का, लखनऊ से हमारे साथ लाइव मौजूद है। विवेक, आज कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है उस विवाद को लेकर जिसमें आरोप लगाए गए बीजेपी की तरफ से कि मारपीट की गई सांसद संगमलाल गुप्ता के साथ, आज किस तरीके की तैयारी कांग्रेस की है? माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल होने वाली हैं, उसको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल जया, देखिए यहाँ पर सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। आज पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का आज कार्यक्रम है। जो घटना हुई थी शनिवार को उसको लेकर विरोध है, उसमें प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा मोना जो बड़े नेता है कांग्रेस के, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि उन्होंने मारपीट की और मारपीट में उनके साथ तमाम अन्य कांग्रेसी भी शामिल थे। हालांकि प्रमोद तिवारी ने कल ही अपना स्पष्टीकरण भी दिया है कि मारपीट में वो नहीं थे और जहाँ पर जिनके साथ मारपीट हुई है वो वहाँ पर जो भाजपा के सांसद हैं वो भी मौजूद नहीं थे। तो ये आरोप गलत है, इसको लेकर पुलिस वहाँ जाँच कर रही है। लेकिन कांग्रेस ने इस एफआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया था। आज सभी 75 जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। हालांकि इसका टाइम अभी निर्धारित नहीं है, प्रदर्शन कितने बजे होगा, कितने बजे शुरुआत होगी। और यहां पर प्रदेश अध्यक्ष के अलावा ये माना जा रहा है कि लखनऊ में प्रियंका गांधी भी इस समय मौजूद हैं और प्रियंका गांधी भी धरना प्रदर्शन में शामिल हो सकती हैं, लेकिन अभी उनकी पुष्टि नहीं है। प्रदर्शन के कार्यक्रम के वक्त की भी पुष्टि नहीं है कि कितने बजे शुरू होगा और कब तक चलेगा। इस प्रदर्शन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। सभी 75 जनपदों में जो कांग्रेसी हैं वहाँ के जिला कमेटी के अध्यक्ष हैं, जिला कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन सौंपेंगे और इस मामले की जाँच की मांग करेंगे कि ये गलत आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर खारिज कराने की भी मांग की जा रही है कि एफआईआर खारिज कराए। तो आज यहाँ पर अभी सुबह जो कांग्रेस मुख्यालय, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ही समय खड़े हैं। हालांकि यहाँ पर अभी सन्नाटा है, लेकिन कुछ देर में यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं वो आना शुरू होंगे। अभी प्रियंका गांधी कॉल हाउस में हैं और कुछ जो बड़े कांग्रेसी नेता हैं मोना मिश्रा और प्रमोद तिवारी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष भी वहाँ पर बिल्कुल पहुँचने वाले हैं। अभी कुछ देर पहले जो उनसे बात हुई है उन्होंने कहा कि बस वहाँ पहुँच के सारे कार्यक्रम की रूपरेखा तय करेंगे और ये तय करेंगे कि कितने बजे इकट्ठा होंगे। अभी भी आज सुबह थोड़ी देर बाद धरना प्रदर्शन शुरू होना है, विरोध प्रदर्शन शुरू होना है, लेकिन वक्त निर्धारित नहीं है। ये भी निर्धारित नहीं है कि प्रियंका गांधी उसमें शामिल होंगी या नहीं। ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी शामिल हो सकती हैं। आपको बता दें कि पिछली बार जब प्रियंका गांधी लखनऊ आई थी तो अचानक ही वो गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने गई थी और वहां पर ही उन्होंने मौन धरना शुरू कर दिया था। तो अचानक जब ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, मौन व्रत शुरू हुआ वहां पर, तो पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। इसीलिए पुलिस प्रशासन की भी तैयारी पूरी है। अगर जिला मुख्यालय यहाँ जाते हैं और प्रियंका गांधी वहां पर आती हैं तो उनको रोकने के लिए, समझाने के लिए, उनसे जल्द से जल्द, अगर वहां जाती हैं प्रियंका गांधी तो ये माना जा रहा है कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द वहां से, चूंकि भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और मंगलवार का दिन है, वर्किंग डे है, बहुत कैसरबाग जहां जिला मुख्यालय है वहां पर बहुत तंग सड़कें हैं, तंग रास्ते हैं, जाम लगने से, धरना प्रदर्शन होने से कानून व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो सकती है और पूरा शहर का ट्रैफिक चरमरा सकता है। इसीलिए ये पहुंचने ही ना दिया जाए हॉल हाउस के बाहर। इस प्रदर्शन के जरिए क्या मैसेज देना चाहती है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।